नमस्कार दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है मीनिंग्स ऑफ नेम। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर दोस्तों आपको किसी नाम का अर्थ जानना है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों आज का नाम जान लेते हैं। आज का नाम क्या है दोस्तों, मैं बता दूँ, आज का नाम है वो है करण। दोस्तों करण नाम के लड़कों पर मैंने जैसा रिसर्च कर रखा है, मैं उसके द्वारा करण नाम का मतलब बताने वाला हूँ। चलिए दोस्तों जान लेते हैं करण नाम का मतलब क्या होता है। दोस्तों मैं बता दूँ, वो है कर्ण कृति और प्रतिभाशाली बुद्धिमान कान, ये होता है दोस्तों करण नाम का मतलब। अब दोस्तों ये भी जान लेते हैं करण नाम के व्यक्ति का धर्म क्या होता है। दोस्तों तो मैं बता दूं, जैसा कि आप नाम से भी समझ सकते होंगे, करण नाम के व्यक्ति का धर्म हिंदू ही होगा। दोस्तों हिंदू ही है करण नाम के व्यक्ति का धर्म। अब दोस्तों ये भी जान लेते हैं करण नाम के व्यक्ति का राशि क्या होता है। दोस्तों मैं बता दूँ, उनका राशि होता है वो होता है मिथुन राशि होता है दोस्तों करण नाम के व्यक्ति का। अब दोस्तों अगर लकी नंबर के बारे में बात करें, लकी नंबर क्या होता है करण नाम के व्यक्ति का, दोस्तों मैं बता दूं, उनका लकी नंबर होता है 9, यानी 9 होता है दोस्तों लकी नंबर करण नाम के व्यक्ति का। अगर दोस्तों हम लोग शुभ रंग के बारे में बात कर ले, शुभ रंग क्या होता है दोस्तों मैं बता दूँ, होता है हल्का पीला, हरा, गुलाबी और सफ़ेद, ये होता है दोस्तों शुभ रंग। अब दोस्तों हम लोग शुभ दिन के बारे में बात कर लेते हैं, करण नाम के व्यक्ति का शुभ दिन क्या होता है। दोस्तों मैं बता दूँ, उनका शुभ दिन होता है बुधवार। जैसे कि दोस्तों वो कोई शुभ काम करना चाहते हैं तो वो अगर बुधवार के दिन करते तो उनका काम बहुत आसानी और सफलतापूर्वक हो जाएगा, उस काम में उनको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब दोस्तों शुभ पत्थर के बारे में बात कर लेते हैं, शुभ पत्थर क्या होता है करण नाम के व्यक्ति का। दोस्तों मैं बता दूँ, होता है पन्ना पत्थर होता है दोस्तों, पन्ना पत्थर होता है करण नाम के व्यक्ति का शुभ पत्थर। उस पत्थर का दोस्तों करण नाम के व्यक्ति का उनको अंगूठी बनाकर अपने हाथ में जरूर से जरूर पहनना चाहिए, जिससे उनका दिन बहुत शुभ जाता है। अब सबसे जरूरी बात जान लेते हैं दोस्तों, करण नाम के व्यक्ति किन किन क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। दोस्तों मैं बता दूं, वो है अध्यापक, प्राध्यापक, कवि, गीतकार, संगीतकार, प्रवचनकर्ता, ज्योतिष, गणित, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, अकाउंट, होटल मैनेजमेंट और फाइनेंस और बैंकिंग। इन क्षेत्र में दोस्तों करण नाम के व्यक्ति अपना करियर बना सकते हैं। अगर दोस्तों आप माँ बाप बनने वाले हैं तो आप अपने बच्चों का नाम करण रख सकते हैं। जैसे दोस्तों करण बोलने में और सुनने में बहुत प्यारा सा नाम लगता है दोस्तों, करण नाम का मतलब भी बहुत प्यारा सा निकल कर आता है। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।